हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पूनम मेहरा दौर में। तो आइए चैप्टर नंबर सेकंड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। तो हमारे पास एक क्वांटिटी है 5 सेंटीमीटर, उसे पहले हमें मीटर में कन्वर्ट करना है और फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर से मीटर पर जाने के लिए या सेंटीमीटर से किलोमीटर पर जाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं या फिर 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट लर्न करनी है। वो स्टेटमेंट है किंग हैरी डाइड मदर डिडंट क्राई मच। तो देखिए यहाँ पर जो किंग का के है उससे है किलो, हैरी का एच है उससे है हेक्टो, डी से है डेका, एम से है मीटर, डी से है डेसी, सी से है सेंटी और एम से है मिली। अब देखिए अगर हम यहाँ पर मीटर लेते हैं तो इन सबके साथ मीटर लगेगा, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। और अगर यहाँ पर हम ग्राम लेते हैं तो सबके साथ ग्राम लगेगा, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, ऐसे ही सबके साथ ग्राम लगेगा। और अगर यहाँ पर हम लीटर लेते हैं तो सबके साथ लीटर लगेगा। इनके बीच का गैप होता है 10, किलो से हेक्टो 10, हेक्टो से डेका 10 और ऐसे करके इन सब में 10-10 का गैप होता है। तो जब हम बड़ी क्वांटिटी से नीचे की तरफ जाते हैं छोटी क्वांटिटी पर तो उतने ही 10 से वो मल्टीप्लाई होता है, और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं बड़ी क्वांटिटी की तरफ तो उतने ही 10 से वो नंबर डिवाइड होगा। देखिए जैसे हमें मीटर से सेंटीमीटर पर जाना है तो मीटर से हम 2 स्टेप्स नीचे जाएंगे, 1 एंड 2, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10 से हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हम मिलीमीटर से मीटर पर जाएंगे तो 10, 10 एंड 10, यानी हम 3 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आएगा और उस नंबर को हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी हमें छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी पर जाना है। तो सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ है तो सेंटीमीटर से हम मीटर पर जाएंगे तो हम 2 स्टेप्स ऊपर जाएंगे, यानी 10 इंटू 10 हम 100 से उसे डिवाइड करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर से 1 स्टेप डेसी पे आए, दूसरा स्टेप सेंटी पर आ गए, यानी 2 स्टेप्स हमने नीचे की तरफ लिए हैं, यानी 10 मल्टीप्लाई 10 100, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, इस 100 से हम 1 को डिवाइड कर देंगे, यानी 1/100 मीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हुए, 1/100 मीटर। तो अगर 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर है तो 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 में 1/100 तो 5 में 5/100, यानी हम 5 को 100 से डिवाइड करेंगे। यानी 1 मीटर से जब हम छोटी क्वांटिटी पर गए थे सेंटीमीटर पर तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था, और जब हम सेंटीमीटर से मीटर पर जाएंगे तो हम उस नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे। तो हमने 5 को 100 से डिवाइड किया है। अब हम इसमें डेसिमल लगाएंगे। अब हम न्यूमरेटर को उतारेंगे और 100 में जीरोस को काउंट करेंगे, कितनी है 1, 2। ऊपर भी हमारे पास 2 डिजिट्स होनी चाहिए,
तो हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है, तो उसके आगे हम एक ज़ीरो लगा देंगे, 1, 2, तो 1 की प्लेस पर हम डेसिमल लगा देंगे और उसके आगे एक ज़ीरो लगा देंगे, तो 0.05 मीटर इसका आंसर है। तो आइए, अब हमने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, अब हम 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम सेंटीमीटर से कहाँ पर जाएंगे, किलोमीटर पर। तो देखिए 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हम कितने स्टेप्स नीचे जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 1 के आगे हम 50 लगा देंगे, तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1 लाख 1 को डिवाइड करेगा, तो हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/1 लाख किलोमीटर। तो अगर 1 सेंटीमीटर में 1/1 लाख किलोमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 5/1 लाख किलोमीटर, यानी हमने 5 को 1 लाख से डिवाइड किया है। तो अब हम इसमें डेसिमल लगाएंगे, तो हम न्यूमरेटर को लिखेंगे 5, तो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास कितनी ज़ीरोज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 डिजिट तो हमारे पास है, तो उसके बाद हम उसके आगे ज़ीरोज़ लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, उसके आगे हम 1 की प्लेस पर डेसिमल लगा देंगे और उसके आगे एक ज़ीरो लगा देंगे, तो 0.00005 किलोमीटर इसका आंसर है। तो आइए अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, दिया हुआ है एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर। तो हमारे पास एक क्वांटिटी है 35 मिलीमीटर, उसे हमें कन्वर्ट करना है पहले सेंटीमीटर में, उसके बाद मीटर में और उसके बाद किलोमीटर में। सबसे पहले हम 35 मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो देखिए अब हमें कहाँ से कहाँ पर जाना है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर पर, तो ये मिलीमीटर है, इससे हमें सेंटीमीटर पर जाना है, तो हमें एक स्टेप ऊपर जाना है, यानी हमें उस नंबर को 10 से डिवाइड करना है। तो हम लिखेंगे 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 35 / 10, और यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, 35 मिलीमीटर में 35/10 सेंटीमीटर होंगे। तो अब हम इसमें डेसिमल लगाएंगे, तो न्यूमरेटर को लिखेंगे 35 और 10 में जितनी ज़ीरो हैं उसे काउंट करेंगे 1, तो 1 डिजिट से पहले हम डेसिमल लगा देंगे, तो 5 से पहले डेसिमल लगाएंगे, 3.5 सेंटीमीटर में ये कन्वर्ट हो गया है, ये इसका आंसर है। तो आइए अब हम 35 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें कहाँ से कहाँ पर जाना है, मिलीमीटर से मीटर तक। तो देखिए मिलीमीटर से हम मीटर पर जाएंगे, तो कितने स्टेप्स ऊपर जाएंगे, 1, 2 and 3, यानी कि हम 10 × 10 × 10 से, यानी 1000 से 35 मिलीमीटर को डिवाइड करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। तो हम लिखेंगे 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 35/1000 मीटर। तो अब हम इसमें डेसिमल लगाएंगे, तो हम न्यूमरेटर को लिखेंगे 35 और हम ज़ीरोस काउंट करेंगे, 1, 2, 3, हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, उसके आगे हम एक ज़ीरो लगा देंगे और 1 की प्लेस पर डेसिमल लगा देंगे, और उसके आगे हम एक ज़ीरो लगा देंगे, तो 0.035 मीटर इसका आंसर है। तो आइए अब हम 35 मिलीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी पर जाना है, तो मिलीमीटर से हमें कहाँ पर जाना है, किलोमीटर तक। तो हम कितने स्टेप्स ऊपर जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी हम 10, 10, 10, 10, 10 और 10
इन सभी 10 को मल्टीप्लाई करके और 35 को उससे डिवाइड करेंगे तो हम 1 के आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो लगा देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 10 लाख। तो हम लिखेंगे 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1/10 लाख। तो 35 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 35 / 10 लाख किलोमीटर। तो 1 मिलीमीटर में 1/10 लाख किलोमीटर हैं, तो 35 मिलीमीटर में 35/10 लाख किलोमीटर हैं। तो आइए अब हम इसमें डेसिमल लगाते हैं, 35 को लिखेंगे और नीचे जीरोस को काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 डिजिट्स तो हमारे पास हैं, 6 डिजिट्स के लिए हम जीरोस लगा देंगे, 3, 4, 5, 6। उसके बाद हम 1 की प्लेस पर डेसिमल लगा देंगे और उसके आगे एक जीरो लगा देंगे, तो 0.000035 किलोमीटर इसका आंसर है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, दिया हुआ है एक्सप्रेस इन केजी। तो हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स में हमें कुछ क्वांटिटी दी हुई हैं, उन्हें हमें केजी में कन्वर्ट करना है। तो आइए फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 200 ग्राम्स। तो हमें 200 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करना है। तो आइए फिर से वही स्टेटमेंट देखते हैं, किंग हैरी डाइड मदर डिडंट cry much, किलो हेक्टो डेका। अब यहाँ पर हमारे पास मीटर नहीं है, हमारे पास ग्राम्स हैं, तो हम यहाँ लेंगे ग्राम्स, डेसी, सेंटी, मिली। तो यहाँ पर सबके साथ ग्राम्स लगेगा, यानी किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। तो देखिए हमारे पास ग्राम्स हैं, उसे हमें केजी में कन्वर्ट करना है, तो हमें ग्राम से कहाँ पर जाना है, किलोग्राम पर। तो हम कितने स्टेप्स ऊपर जाएंगे, 1, 2, 3। 10 × 10 × 10 1000 होता है, तो हम 200 ग्राम्स को 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स, यानी हम 3 स्टेप्स नीचे गए हैं। और 1 ग्राम में कितने किलोग्राम्स हुए, तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम्स होते हैं। तो हम लिखेंगे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो जब 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 1 ग्राम में कितने केजीज होंगे, इस 1 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे, 1/1000 kg। तो जब 1 ग्राम में 1/1000 kg होते हैं, तो 200 ग्राम्स में कितने केजी होंगे, 200/1000 kg। तो अब हम इसमें डेसिमल लगाएंगे, तो हम न्यूमरेटर को उतारेंगे 200, और अब डिनोमिनेटर में जीरोस काउंट करेंगे, कितनी है, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो 3 डिजिट से पहले हम 1 की प्लेस पर डेसिमल लगा देंगे और उसके आगे एक जीरो लगा देंगे, तो 0.200 kg। तो आप डेसिमल के बाद जो 2 जीरोस हैं उन्हें हटा सकते हैं, तो 0.2 kg इसका आंसर है। तो आइए अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या दिया हुआ है, 3470 ग्राम्स। तो इसे हमें केजी में कन्वर्ट करना है, तो अब हम लिखेंगे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो आपको पता है 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो हमें छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी पर जाना है, तो हम 3470 ग्राम्स को 1000 ग्राम से डिवाइड करेंगे, तो वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। तो अगर 1 ग्राम में 1/1000 kg हैं,
तो 3470 ग्राम्स में कितने केजी होंगे? 3470 डिवाइडेड बाय 1000 केजी। तो अब हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, तो न्यूमरेटर को लिखेंगे 3470, और अब जीरोस काउंट करेंगे, 1000 में कितनी है? 1 2 3। तो न्यूमरेटर में भी हम 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे, 1 2 3, और उसके बाद हम 1 की प्लेस पर यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, तो 3.470 केजी इसका आंसर है। तो आइए देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 4 kg 8 grams। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास पहली क्वांटिटी केजी में है, हमें जो दूसरी क्वांटिटी है उसे केजी में कन्वर्ट करना है। तो 4 kg और 8 grams के बीच में हम ऐड का साइन लगाएंगे। अब हम आगे क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है 1 kg में 1000 grams होते हैं, तो 1 gram में कितने केजी होंगे? 1/1000 kg। तो अब हम क्या करेंगे, 4 kg को ऐसे ही लिखेंगे, ऐड का साइन लगाएंगे, और जो 8 है उसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 8 है वो ग्राम्स में है, छोटी क्वांटिटी में है, उसे हमें बड़ी क्वांटिटी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना है। हम यहाँ लिखेंगे केजी, अब हम 4 लिखेंगे और ऐड का साइन लगाएंगे और 8 में डेसिमल लगाएंगे। तो देखिए हम न्यूमरेटर को उतारेंगे 8, और नीचे कितनी जीरोज़ हैं? 1 2 3। तो हम 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है, तो बाकी हम 2 जीरोज़ लगा लेंगे, और उसके आगे 1 की प्लेस पर हम डेसिमल लगाएंगे, और उसके आगे 0 लगा लेंगे। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ अब हमारे पास केजी में हैं। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, तो देखिए कैसे ऐड करेंगे। आपको पता है जिस नंबर में डेसिमल नहीं होता तो उसे लिखकर उसके पीछे डेसिमल लगाएंगे, और फिर दूसरे नंबर में डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं उतनी जीरोस हम इसमें लगा लेंगे। तो देखिए 1 2 3 इसमें डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर हम 1 2 3 0 लगा लेंगे, और अब इसमें हम 0.008 को ऐड करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 4.000 प्लस डेसिमल के नीचे डेसिमल, इधर 0 और इधर 008, हम इन्हें ऐड करेंगे, 800 डेसिमल और 4, तो 4.008 आंसर आ गया है। हम यहाँ लिखेंगे 4.008 केजी इसका आंसर है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बाकी के क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।